इतने बाल मैंने उड़ा दिए। ओ भाई साहब, हाँ ये क्या बना रही है, जींस टॉप? और इस बुढ़ापे में जींस टॉप पहनाएगी मुझे? हाई लवलीज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज योर डिंपल सारंगे। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी मम्मी का मेक ओवर करने वाली हूँ। मैं मम्मी को अपने जैसे बनाने वाली हूँ। वैसे मेरी मम्मी ना सूट साड़ी ऐसे पहनते हैं, टिपिकल इंडियन मदर है पूरी। शादी से पहले पहना था उन्होंने जीन्स वगैरह, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पहना नहीं है। तो आज मैं मम्मी को मेरे जैसे बना दूंगी, वो पीछे से आ रही हैं। तो ये वीडियो ना मैं मदर्स डे पे डालने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मी कैसी लग रही है? मम्मी देखो बहुत बेकार लग रही है। मम्मी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, मैं मम्मी को अपने जैसा बना दूंगी। आर यू रेडी मम्मी? रेडी। सो गाइस, मेरे मम्मी के लिए अमेज़न से ये कपड़े मंगाए थे। मम्मी ऐसे मूर्ति की तरह खड़ी हुई हो। तो ये ना मम्मी के लिए जीन्स थी। देखो मैंने मम्मी को अभी दिखाया नहीं है, देखते हैं उनका रिएक्शन। उल्टी है मम्मी, है कैसी लगी? ठीक है ठीक है। और ये मैंने मम्मी के लिए टॉप मंगाया था, कैसा लग रहा है? ठीक है ठीक है। मम्मी ने तो बोल बस ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं आपके फेस पर। जींस टॉप? और इस बुढ़ापे में जींस टॉप पहनाएगी मुझे? यूट्यूबर की मम्मी को लगना भी तो चाहिए आपको। तो चलो गाइस, मम्मी आउटफिट पहन के देखेंगे, जीन्स और ये। पता है मैंने फिटिंग का इनका अंदाजा नहीं था, मैंने ऐसी फिटिंग में मंगवा लिए थे। तो अब देखना, मैं प्रे करूंगी मम्मी इसके फिट हो जाए, मुझे गालियां ना पड़े बीच में। मम्मी ट्राई करने गई हैं, जब तक हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने इधर मेकअप जो है वो पूरा निकाल के रख लिया था, और ये तो सारा मेकअप लग रहा होगा, लेकिन इसमें से कुछ कुछ ही लगाऊंगी। तो गाइस मम्मी ने कपड़े पहन लिए, देखते कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, जोकर लग रही है। जोकर लग रही हो, ऐसा मत बोलो। ये मम्मी ने ना मेरे को साइज गलत बताया था, इनका ना एक्सेल साइज है। इन्होंने मेरे को डबल एक्सेल बताया था कि मेरे लिए तो डबल एक्सेल मंगा। तो टॉप तो थोड़ा सा ढीला लग रहा है, अगर फिटिंग करोगे तो सही हो जाएगा। और जीन्स तो एकदम फिटेड आई है। मम्मी की हाइट छोटी है, वैसे बहुत ज़्यादा छोटी है, मेरे से भी छोटी है, तो लेंथ इसकी बहुत लंबी है। गाइस इधर मैं पूरी बार्बर बन चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की ना हेयर कटिंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मी के बाल पीछे से तो लंबे हैं, पीछे से कट कर दूँ? नहीं नहीं, नहीं। आगे से हम बस मम्मी की फ्लिक्स कट करेंगे और उनकी सुंदर सुंदर बना देंगे। सुंदर वो क्या बदसूरत है मम्मी, और सुंदर बना देंगे। अरे आगे से फ्लिक्स हो जाएंगे, कैसे झाड़ू जैसे लग रहे हैं बाल, बस लंबा लंबा करने जा रही हूँ अपने बालों को। इतने कर देती हूँ नहीं इतना आपके बाल। अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती इनसे वीडियो बनवा रही हूँ। अपनी मम्मी के बालों को अभी कर्ल करूंगी। मुझे पता है यहाँ तक मम्मी ने अपने बालों को कर्ल नहीं कराया, आज से 2 साल पहले करवाया था जब भैया की एनिवर्सरी थी, नहीं शादी थी, शादी उसके बाद मैं कर्ल करूंगी। मम्मी के बालों में मैं हीट प्रोटेक्टर लगाऊंगी, अगर मम्मी के बाल जल जाएंगे तो मेरी वो मेरे को जरूर लाल पीला कर देंगे, मार मार के कैमरा के पीछे आ देंगे, मारेंगे तो बहुत अच्छी बन रही हो। तो चलो इनके बालों को कॉल करते हैं। तो चलो, तो हम अपनी मम्मी के बाल कॉल कर रहे हैं। सही लग रहे मम्मी? काट डाली मेरे बाल सारे। मम्मी अच्छे लग रहे हैं पता है, पीछे से तो अच्छे हैं, ये तो ऐसे इधर देख, उधर के इतने लंबे तो वो तुझे भी काट देना चाहिए था। ये लो शीशा, ऐसे सही लग रहा है। ठीक है, आगे से फ्लेक्स कट हो ना तो फेस भी भरा भरा लगता है। गाइस तो आप ही, मैं अभी मम्मी का मेकअप करने वाली हूँ। मम्मी को मैं क्यूट सी ऐसे छोटी हूँ बच्ची जैसी मिलने वाली हूँ। तो सबसे पहले मम्मी को हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मम्मी को ये वाला प्राइमर लगा रही हूँ, मेरा फेवरेट, स्टिकी स्टिकी।
ऐसा मेकअप चाहिए मम्मी आपको, मम्मी ठीक कर दे अपने हिसाब से, मतलब बोल्ड सटल तो आपकी तो कोई राय होगी कैसा करूं है? मैंने जीन्स कभी पहनी है तो मुझे तो मेकअप जीन्स जीन्स के ऊपर किस हिसाब का मेकअप, तो जीन्स से मेकअप का तो थोड़ी लेना देना है, लेना देना क्या नहीं है, नहीं है साड़ी आपको कैसा मेकअप चाहिए, जीन्स के ऊपर साड़ी जैसा मेकअप कोई कर देगी तेज से यहाँ तो मैं आपसे आऊँ। गाइस तो इनको मैं अब इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ ताकि इनकी स्किन भी ग्लो करे। तो गाइस मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ मम्मी के, ये लॉरियल की है और काफी अच्छा कवरेज देती है प्लस काफी लाइट वेटेड है। देखो देखो कैसी हैं, और मेरी भी आईब्रोज ऐसी ही नहीं है, बहुत ही हल्की हल्की, इनके पास पूरी दिन तो इनके ऊपर नहीं गई है, थोड़ी सी मिली हुई। अब मैं आई मेकअप करूंगी मम्मी का इस लैक्मे की पैलेट से, बहुत ही सॉफ्ट सटल सा करूंगी एकदम न्यूड कलर में पिंक, तो मैं ये पीजी ऑरेंज शेड ले रही हूँ आप पकड़ना। गाइस अब मैं मम्मी को ये वाला हाईलाइटर लगा रही हूँ, दिस इज द एट्यूड हाउस का हाईलाइटर, मैंने मम्मी को आईलाइनर भी लगा दिया था। गाइस मम्मी को मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, कौन से कलर की लिपस्टिक लगाओगी, ये कॉफी कलर ही निकाला है मैंने, ये मामाअर्थ की है। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक, कैसा लग रहा है मम्मी? अभी मम्मी को हमने मिरर दिखाया नहीं है पूरा फुल लुक का, मैं मम्मी को ये ग्लासेस पहना रही हूँ, अब लगेंगी मम्मी बिल्कुल मेरे जैसी, और ये हाथ में ये हो गई मम्मी तैयार। ओहो एकदम हीरोइन लग रही हो सच्ची में, चलो मम्मी को दिखाते हैं। देखेंगी कैसी लग रही है वो देखो शीशे में, अरे वाह कैसी लग रही है, पुराने दिन याद आ रहे हैं मम्मी को, पुराने दिन याद है, अब पुराने जमाने मतलब पुराने जमाने तो नहीं, अपने टाइम याद आ रहा है मुझे, मम्मी को बचपन वाला टाइम याद आ गया अपना, और सही लग रहा है? सही लग रहा है बढ़िया, मेरी मोटी ज्यादा हो गई है। हां थोड़ा मम्मी एक्सरसाइज किया करो, अच्छा लग रहा है? अरे वाह मेरी बेटी ने तो मुझे मॉडर्न बना दिया, सूट से जींस पे पहुंचा दिया। So guys that's all for today's video, मम्मी का मेकअप हो चुका है, हैट टू टॉप, मम्मी एकदम हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं, और मम्मी आपको अच्छा लगा ना, सही से बताना, बहुत अच्छा लगा, टाइम आपका बर्बाद तो नहीं किया मैंने, नहीं नींद आ रही थी लेकिन अच्छा लगा। सो अब मम्मी के चश्मे हटा देती हूँ, ऐसे ऊपर कर लो। So guys that's all for today's video, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अभी बोल दो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको पसंद आया हो तो, और बाय सारंगी, ऐसे करते सारंगी।